हिमाचल में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर्फ्यू ढील आज से लागू हो गई है, जिसका असर बिलासपुर शहर में भी देखने को मिला। वहीं कर्फ्यू ढील के मुताबिक ही सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बाजारों में दुकानें खुली रहेंगी, जिसके चलते अब बाजार में रौनक लौटने लगी है। वहीं प्रदेश कैबिनेट के इस फैसले से दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं और सरकार के इस आदेश का स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है कि मार्केट को इन्होंने खोल दिया और टाइमिंग भी ठीक है, अच्छी टाइमिंग है, 9 से 5 इन्होंने टाइमिंग कर दी है। मार्केट में रौनक दिखना भी शुरू हो गई, अब तो लोग आना शुरू हो गए हैं। पर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का है कि थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कम चल रही है और ऑल ओवर ठीक है। बाकी केस भी कम हो गए बिलासपुर में, अब तो काफ़ी कम केस हो गए हैं, तो सब ठीक है, ओके है। सरकार का डिसीजन थी आपको बहुत अच्छा डिसीजन रहा सरकार का, इस बार अच्छा डिसीजन था सरकार। व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो तो उठाना ही पड़ रहा है, वो तो काफी टाइम से आपको पता ही है, 1.5 साल से व्यापारी नुकसान तो उठा ही रहा है, पर चलो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसमें ऐसा है कि सर जो भी जितनी बसें चली हैं सर, इसमें तो मुझे लगता है कि 100% है कम है, और इससे जैसे भी है कि मतलब आम जाम जैसे और ऊपर जाने के लिए दिक्कत रहेगा सर, क्योंकि मैक्सिमम रूट से लंबे ही उसमें चली है और बाकी लोकल के लिए फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑटो में जाते हैं तो यहाँ पे ऑटो में किराया ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं और ये हर बंदी की पॉकेट में पैसे महंगाई की वजह से मार पड़ रही है, तो इस तरह से सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइवेट बसें अभी नहीं चल रही है तो उसका नुकसान हो रहा है? हाँ जी सर, प्राइवेट बसें जो नहीं चल रही है नुकसान उठाना पड़ रहा है सर, बिल्कुल नुकसान है सर। इससे तो ऐसा है कि प्राइवेट में ऐसा कि थोड़ा बहुत किराए में थोड़ा मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, जो लोकल जाता है उनके लिए वो कर देते, थोड़ा रिबेट मिल जाता है, और सरकारी में तो सर जो फिक्स है वो तो लेते लेते हैं, तो इस तरह से आने जाने में दिक्कत है सर। अब यहाँ पे मेरे को 1 घंटा हो गया खड़े हुए, वेट करना पड़ रहा है, अगर ऑटो में जाते तो फिर ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।